बिहार के भी लोग हैं, सिवान के भी लोग हैं, तो ये महान धरती है, अच्छी धरती है। यहाँ पे जब भी आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, ये टोटली बाहर का फंक्शन हम लोग लाए हैं। जैसे बाहर आप जाइए, बड़ा बड़ा संस्था, बड़ा बड़ा वो भी केवल बिल्डिंग से आप इस स्कूल के की जो गुणवत्ता होती है उसको नहीं आंक सकते। लेकिन बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज सिवान की धरती पर आज आपका आगमन हुआ है और आज सिवान का आज आपका स्थापना दिवस और राजेंद्र प्रसाद की धरती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछली बार जब मैं आया था तो मैं विशेष रूप से जीरा दे गया था, राजेंद्र बाबू की धरती पर गया, उनका वंदन किया, अभिनंदन किया और वहाँ पर पूरा जो वहाँ पर उनका घर है उसका मैंने देखा। राजेंद्र बाबू से मैं मानसिक रूप से बहुत जुड़ा हूँ और उनसे हमेशा मैं प्रेरणा लेते रहता हूँ। ये सिवान की जो धरती है, ये राजेंद्र बाबू और मजरूल हक जी हैं, मजरूल हक जी के लिए प्रसिद्ध है और इन दोनों ने बहुत बड़ा समाज सेवा किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और जहाँ तक मैंने सुना है मजरूल हक जी ने भी अपना सारा धन संपत्ति दान दे दिया। तो धन की सर्वश्रेष्ठ गति दानी होती है ना। त्रिविधम गते अभावति वित्तस्य, दाना भोगश्च नाशश्च, जो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीय गते अभावति। धन की सर्वश्रेष्ठ गति दान होती है और उसके बाद भोग होता है। जो न भोग करता है और न दान देता है उसके धन का नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि विदेशों में भी, चाहे अपने देश के भी, अग्रवाल साहब बिहार के रहने वाले, लंदन में रहते हैं, कितने हजार करोड़ रुपया दे देते हैं ट्रस्ट को कि शिक्षा का विकास हो, कोई पल्स पोलियो इरेडिकेशन के लिए दे देता है। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, हमारे बिहार के भी लोग हैं, सिवान के भी लोग हैं, तो ये महान धरती है, अच्छी धरती है। यहाँ पर जब भी आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, आज इस स्कूल में आए हुए हैं और इसको उद्घाटन में नहीं हुआ है, तो शुरू है, क्या लग रहा है सिवान का टॉप स्कूल में स्कूल खेले जाएंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा। केवल बिल्डिंग से आप इस स्कूल के की जो गुणवत्ता होती है उसको नहीं आंक सकते। लेकिन अगर अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ वन, अगर शुरुआत अच्छी है तो आधा जंग आपने जीत लिया। तो बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ में जो बच्चे हैं और जो गार्जियंस हैं उनका दिख रहा था रुझान, उनका झुकाव दिख रहा था। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में सिवान में ये एक उम्दा स्कूल में गिना जाएगा और सिवान का ये सर्वश्रेष्ठ स्कूल बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। देखिए, ये बात कटु सत्य है कि बिहार में शिक्षा का स्तर तो कम हुआ है और सरकार प्रयास कर रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत शिक्षकों की भर्ती होगी और शिक्षा का स्तर इम्प्रूव होना चाहिए, मैं कामना ही कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से ये संस्थानें बन रही है, ये जैसे ये संस्था बन रही है, और भी प्राइवेट स्कूल है, जीरादी में मैं गया था, जमापुर में एक स्कूल है, कितना बढ़िया वो है, डिवाइन स्कूल है, कितना अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वो। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो और सरकारी संस्थाएं दोनों मिलके शिक्षा के स्तर को ऊपर करेंगी, आगे बढ़ाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम है जयप्रकाश सिंह, मैं एकमा का रहने वाला हूँ, सारण, और मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूँ और वर्तमान में शिमला में आईजी पुलिस के पद पर तैनात हूँ। देखिए, बच्चों का बेनिफिट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास, मतलब पहले जो डस्ट प्रूफ मतलब बोर्ड आते थे उसको हम लोग इरेज कर दिए हैं, टोटली इरेज कर दिए हैं, उसको सिस्टम से ही हटा दिए। एक तो इन्वायरमेंट में डस्ट नहीं होगा,
ठीक है, और हमारा वातावरण अनुकूल रहेगा, मतलब बहुत क्लीन रहेगा। तो इस माध्यम से हम लोग काम किए हैं कि डिजिटल हिसाब से ही काम किए हैं। दूसरा चीज, हम लोग बच्चों को दिखा सकते हैं ना, टेक्निकली वीडियो के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं विजुअली, जो हम एक चीज़ है, जो भी हम चीज़ को इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सिवान, गोपालगंज किसी भी स्कूल में ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये टोटली बाहर का फंक्शन हम लोग लाए हैं, जैसे बाहर आप जाइए, बड़ा बड़ा संस्था, बड़ा बड़ा वो भी जो भी कॉलेज हैं, उनको भी ये इंट्रोड्यूस करने में उनको कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और ये मतलब आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं कि बच्चे पढ़ेंगे और अपने आँख से उस चीज़ को विज़न करेंगे, हैं, और हम लोग उसको दिखाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ा तो इसको हम ये बोर्ड को यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखना है हमको, ABCD जो भी लिखना है हम लिख के और उनको दिखा सकते हैं, ठीक। और ये हम इसको यहीं से इरेज कर सकते हैं, जो भी मेरा फंक्शन है हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक, इरेज जो भी करना है करके और उन बच्चों को सिखाएंगे, ताकि आगे उनके फ्यूचर में जो भी मतलब माइंड सेट हो तो वो बोले नहीं हम इस चीज़ को देखें। अब कंप्यूटर को आप देख रहे हैं कि बहुत कम संस्था में रिप्लेस कर दिया, लोग टैब से काम चला लेते हैं, लैपटॉप से काम चला लेते हैं, हाँ, मोबाइल से ही बहुत से फंक्शन आ गए हैं, हर चीज़ को आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि थ्योरी के साथ साथ स्कूल, हाँ एकदम, हम लोग एकदम विजन करेंगे और उसको दिखाएंगे। और सर मेरा नाम है डॉक्टर MD मिराज आलम और हम चाइना से ग्रेजुएट हुए हैं, अभी हम PG का तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में है, ठीक है। तो इस मतलब संस्था को आए हम लोग भी यहाँ पे, जो भी मेरे गेस्ट थे उनको स्वागत में हम लोग आए हैं, और ये अपना भाई का ही है संस्था, तो हम लोग चाहते हैं कि अपना भी फुल एफर्ट दे इस पे कि विदेश के तौर पर बिहार में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जब चाइना में पढ़ाई करता था, आप तो जानते हैं चाइना कितना टेक्नोलॉजी है, ये सब टेक्नोलॉजी मुझे वहाँ मिला करता था, रियली बताता हूँ, ये इतना खूबसूरत, इतना बड़ा क्लासरूम, ये लाइट इंटीरियर जो भी था, और यहाँ आप नीचे जाके देखे होंगे क्लासरूम में जो भी मतलब बैठने का डेस्क है, बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चों का हरास नहीं हो, बच्चों को कोई क्लीन वातावरण मिले, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हम लोग इस सब चीज़ पे काम कर रहे हैं और इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे और डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, और जो भी हमारे टीचर रहेंगे, जो भी हमारे मतलब गाइडलाइन, आपके कहने का मतलब एक समय था कि आप चाइना में ये सब देखे, हाँ आज यहाँ देखने के बन रहा है, रियल में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे छोटा सा गाँव में, हाँ एक छोटा सा गाँव में। देखिए होता क्या है कि इस चीज़ को आप देखिए, मेंटली लोगों का मेंटल अभी क्या हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि बाहर में बच्चों को रखेंगे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में चाहे विलेज एरिया में चाहे जो भी एरिया है वहाँ पे उस चीज़ को लोग नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा एक बहुत सा तबका आप जाके देखिएगा इधर का, जो सिवान रह के अपने बच्चों को मतलब एजुकेशन के लिए मोटिव हो रहे हैं कि हमारे जो भी है हम नहीं पढ़ें लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हम लोग वो सिवान नहीं, हाँ वो लोग सिवान नहीं जाए, और हम लोग को उन लोगों को यहीं पकड़ कर रखें, और हमारी पूरे कोशिश रहेगी जो हमारा हॉस्टल आएगा उसको हम लोग उस लेवल से हॉस्टल को इंट्रोड्यूस करेंगे और बनाएंगे, हाँ, क्योंकि कि एक बोर्डिंग हॉस्टल के टाइप पे हम लोग सोच रहे हैं कि उसको इंट्रोड्यूस करें। और बोर्डिंग हॉस्टल के बारे में सबको तो मालूम है कितना वहाँ स्ट्रिक्टली कोई काम होता है, कोई भी बात होता है, तो वही है कि उस हिसाब से सब कुछ हम लोग ऐसा सेटल करेंगे ताकि हम लोग का भविष्य में जो लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अदर स्टेट चाहे कोई भी सिटी में, वो ना करें, हमारे मतलब गांव में जुड़ेंगे, तो गांव में जुड़ेंगे तो अपना भी तो एग्रीकल्चर वगैरह है जो भी है, जो किसान के बेटे हैं वो अगर मान लीजिए सिवान चले गए तो उनके फादर का थोड़ा से, हम लोग उस सब चीज़ को ध्यान में रख कर और इस एरिया को डेवलप करके एक अच्छा से अच्छा सिस्टम को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे।